अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल वेव्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 18.2 आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्सली रिलेशन जो था, इन्वर्स वेरिएशन जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सही है। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 18.2 का 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, बस सिर्फ हमें वहां पर डायरेक्ट वेरिएशन यूज कर रहे थे, यहां पर हम इन्वर्स वेरिएशन यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, लिखा हुआ है इफ y वेरीज इनवर्सली। अब क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि इनवर्सली वेरी कर रहा है एज x, ठीक है। y वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज x, मतलब x अगर कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इक्वल टू 3, ठीक है। मैथमेटिकली भी ये बात प्रूव हो गई कि y 10 है तो x कम है 3। फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10, ठीक है। क्या करना है हमें, y मालूम करना है जबकि x क्या है 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं, किस रिलेशन के तहत, इनवर्स रिलेशन के तहत अब निकालेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि y वेरीज कर रहा है इनवर्सली, यानी कि 1 ओवर x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ x, ठीक है। अब k इक्वल्स टू y इंटू x, y और x की वैल्यू गिवन है 10 इंटू 3, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 30, ठीक है। k की वैल्यू आ गई 30। तो अब हम इस रिलेशन को या इस रिलेशन को यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जबकि क्या नाम है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 10। तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो y इक्वल्स टू k ओवर x, ठीक है। k हमारे पास है 30 और x हमारे पास है 10, तो 10 वन जा 10 थ्री जा, तो y इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही होंगे, बस सिर्फ फर्क क्या होगा, फर्क होगा इस रिलेशन का, किसी में कुछ और रिलेशन करके दे दिया जाएगा, किसी में कुछ और। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें एक जो है वो फैक्ट लिखा हुआ है, वो फैक्ट क्या है, कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है ना किसी भी गैस का, जैसे हम सिलेंडर की बात करें, हम ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में जो है ये बात पढ़ते हैं, ये वाला लॉ पढ़ते हैं कि जब वॉल्यूम हम किसी चीज का, सॉरी प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर जब हम किसी चीज का बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उस चीज का कम होता रहता है। जैसे सिलेंडर होते हैं हमारे पास, तो सिलेंडर में जितना ज्यादा प्रेशर से मैं गैस इंसर्ट करूंगा और प्रेशर लगाऊंगा गैस के ऊपर, उतना उसका वॉल्यूम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल दिया हुआ है, उस फॉलो करते हुए, उस रूल को फॉलो करते हुए, कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली वेरीज इनवर्सली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा है इसलिए स्क्वायर रूट लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इफ v इज इक्वल टू 12 एंड p इज इक्वल टू 9, तो इस रिलेशन को यूज करते हुए, ये वैल्यूज यूज करते हुए हमें k की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है जबकि वॉल्यूम हमारे पास है 4, ठीक है। जस्ट एक नंबर्स यूज किए गए हैं यहां पर, वॉल्यूम या प्रेशर की यूनिट हमें इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ हमें वेरिएशन सीखना है, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन सीखना है। तो हम रिलेशन पहले बनाते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में, ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकल ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू k इंटू प्रेशर, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k इक्वल्स टू v इंटू p, ठीक है। v हमारे पास है 12 जबकि अंडरवुड 9, p की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो होता है 9 का वो 3 होता है, तो 12 इंटू 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई k की, जो के है 36, नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 36 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 36 हमारे पास गिवन हो गया, अब हमें p निकालना है, v इज इक्वल टू 4। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, देखें इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये वाला कर लेते हैं ताकि हम इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट पी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रेशर तो निकालना है, तो ये पी एज इट इज रहेगा, के हमारे पास है 36 और वी हमारे पास है 4, ठीक है, 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36, तो पी मेरे पास आ गया, पी का रूट आ गया मेरे पास 9। अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग करता हूं तो रूट को खत्म करने के लिए मुझे ऑब्वियसली सी बात है कि स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैंने स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये आ गया,
और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो p इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। तो 7 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इफ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर एंड f इक्वल्स टू 8 व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, फाइंड f व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 एंड r व्हेन f इज इक्वल्स टू 24। तो हमें यहां पर दो चीजें मालूम करनी है, ठीक है। एक हमें f मालूम करना है, ये रहा, एक ही वाला पार्ट मालूम करना है, और एक r मालूम करना है, और दोनों में एक में f मालूम करना है r दिया हुआ है, एक में r मालूम करना है f दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मालूम करना है, k मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले k निकालने के लिए हम लिखेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। f इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट r स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू f इंटू r स्क्वायर, ठीक है। f की वैल्यू 8 है मेरे पास, r की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 8 4 जा 32, ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं f निकाल रहा हूं, ठीक है, फॉर f, ठीक है। तो f के लिए यही वाला रिलेशन यूज करते हैं, k ओवर r स्क्वायर, ठीक है। k है मेरे पास 32, r है मेरे पास यहां पर अब 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, या पहले अलग अलग करके लिख देते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास 32 और 25। अब ये मजीद जो है वो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है f का, ठीक है। हमें डेसिमल में आंसर नहीं लिखना वेरिएशंस का, ठीक है। अब पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू में हमसे कह रहे हैं r निकाले व्हेन f इज इक्वल टू 24, तो r निकालने के लिए क्या करूंगा, ये r स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको f को नीचे ले आऊंगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय f, ठीक है। k मेरे पास है 32, f यहां पर दिया हुआ है 24, ठीक है, इंटू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर अब ये डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल से, 2 वन 2, 2 6 12, 2 वन 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, तो 4 ओवर 3 ये आ गया, ठीक है। अब r स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया यहां पर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, 4 ओवर 3, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल। अब 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं लूं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट यहां पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वो यहां पर इन्होंने डायरेक्ट वेरिएशन का दे दिया, इसमें लिखा हुआ है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 8 व्हेन वाई इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि क्यूब रूट एक्स का वेरी कर रहा है एज ए स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का जो है वो रूल लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो दो बॉडीज होती है उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी फोर्स के दरमियान, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमें मालूम करना है, मतलब सॉरी ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, डी मालूम करना है व्हेन एफ इज इक्वल्स टू 72, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख देते हैं, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अब यहां पर सॉरी यहां पर डी जो है लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं डी ले लेता हूं, आर नहीं लेता, डी का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहां पर r की जगह मैंने d लिख दिया है, ठीक है। तो f इक्वल्स टू k इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, और k इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर, तो पहले यहां की वैल्यू पुट करते हैं, f 2 है और d है मेरे पास 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 18, ठीक है। अब मैं मालूम करूंगा d when f is equal to 72, तो d मैं इस वाले रिलेशन से मालूम करता हूँ, d स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, f नीचे आ जाएगा, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू k ओवर f
अच्छा जी, डी स्क्वायर इक्वल्स टू के हमारे पास है 18, जबकि एफ है मेरे पास 72। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 12 जा, 3 1 जा, 3 4 जा। ठीक है, 1/4 हमारे पास रह गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर वही स्क्वायर रूट लेंगे, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो डी स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर भी पूरा स्क्वायर आ गया 1/4 के ऊपर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूं तो 1 आता है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, अभी हमने यहाँ किया था, तो इसका मतलब डी की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स माइनस 5 व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 8, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/(x-5)। यहाँ थोड़ा सा रिलेशन चेंज है। ठीक है, तो ये वैसे ही होगा, वाई इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस 5, के इक्वल्स टू वाई, ठीक है, और एक्स माइनस 5। यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, तो यहाँ पर x की जगह लिख दूंगा मैं 8 माइनस 5, तो 8 में से माइनस 5 किया हमने, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 3 और 3 6 18, तो पहले हम ये लिख देते हैं 3 6 और ये 18, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 18। ठीक है, नाउ जो रिलेशन है हमारे पास y हमें मालूम करना है, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, y इक्वल्स टू k की वैल्यू है मेरे पास 18 इंटू एक्स माइनस 5, मतलब 8 माइनस 5। ठीक है, 8 माइनस सॉरी 10, x है ना, यहाँ पर x 10 है, सॉरी 10 और माइनस 5, तो 10 इंटू डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 18 डिवाइड बाय 5, ये मजीद डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसी का मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.2 यहाँ पर होती है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 18.3 की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।